बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रहा है क्योंकि मैं कुछ बिजी हो गया था अपने काम में, और महीने का लास्ट दिन होता है तो हमारे ऑफिस में ज़्यादा काम होता है। इसलिए फिर एक ब्लॉग लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसको आप देखते हैं अशु भाई अफ्रीकन को, उनके साथ एक मीटअप होने वाला है। मीटअप में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि आखिर अशु भाई को हिंदी आती कैसे है, और वो कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, और क्या उनका पर्पज है। और सुना है कि उनका एक गाना भी आ रहा है, योर बॉडी, तो उसी के बारे में कुछ बातें होगी। 5 मिनट की वीडियो है, आप लोग पूरी देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मैं उनके लोकेशन पे आ चुका हूं और देखते हैं, आशु भाई को मैंने कॉल कर दिया, अभी गेट से बाहर आएंगे तो आप लोगों को मिलवाएंगे। ओके, बने रहिए। यही मेरी बाइक जो कि मैंने अभी अभी यहां पे पार्क किया है, और यहां पे रहते हैं आशु भाई, मतलब इस घर के अंदर रहते हैं, और ये कुछ इनका एरिया है जहां पे रहते हैं, घर मतलब चेंज वगैरह करते रहते हैं। तो ये घर है, मैं उनको कॉल कर दिया था और शायद अभी आने ही वाले होंगे। फिलहाल मैं कैमरा लेकर इंतजार कर रहा हूँ उनका आने का, जैसे ही आएंगे मैं उनको। और ये देखो आशु भाई, कैसे हो भाई? आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे मिलना हुआ, और काफ़ी खुशी हुई। मैं तो फ़ोन किया था, थैंक यू सो मच आपने मिलने के लिए बुला लिया। तो भाई ये है आशु भाई, और काफ़ी अच्छे से एक बार गले मिले क्या? अरे भाई मज़ा है। और कैसे हैं आप? बढ़िया। देखो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये आपने ऑब्जर्व किया क्या? हिंदी में बात कर रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, चलो अंदर जाके बात करें, यहीं पे करें? यहीं कर रहे हैं, अंदर कर रहे क्या? हाँ चलो हम थोड़ा छत पे चलेंगे और देखते हैं आप कहाँ पे रहते हैं। और कितने फ्रेंड हैं यहाँ पर? दो तीन चार फ्रेंड है। चलो मिलते हैं उनसे और फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? चलो भाई, ये रहे मतलब यहाँ पे रहते हैं आशु भाई। ओ भाई क्या बात है, एक सेकेंड भाई, और चलते हैं छत के ऊपर, यहाँ से निकलते हैं, इनका किचन है देख लो। सो गाइस हम फाइनली छत पे पहुंच चुके हैं, और ये रहा छत का कुछ नज़ारा, काफ़ी अच्छी हरियाली है। चले गए, काफ़ी अच्छी हरियाली है, यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, और चलिए दो चार बातें करेंगे। फाइनली हम आ चुके हैं छत पे, और छत पे मतलब हम आशु भाई से कुछ बातें करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इनकी शक्ल हमारी इंडियन से मैच नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि भाई अफ्रीका से है, और अफ्रीका से कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, जो इनको हिंदी अच्छी तरह से आती है, सारी जितनी भी हिंदी की जो शब्द होते हैं ना, वो सब इनको पता है, जवाब भी देते हैं। और क्या ही बताऊँ, चलिए मैं क्या बताऊँ, मैं इनसे पूछ ही लेता हूँ। तो कैसे वाशु भाई? मैं ठीक हूँ भाई, बस बढ़िया। आप ठीक हो? हाँ। तो हमारे ऑडियंस को बताइए, काफ़ी आपके फेस देख रहे हैं मेरे चैनल पर, और मुझे कईयों ने पूछा भी है कि इनको हिंदी आती कैसे है, और ये कितने दिन से रह रहे हैं? तो आप लगभग कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पर? मैं 4 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में। 4 साल से रह रहे हैं? हाँ। ओके, तो आपकी जो पढ़ाई वगैरह है वो दिल्ली में हुई है या अफ्रीका के अंदर ही हुई है? अफ्रीकन के अंदर ही हुई है। तो एक बात और बताइए कि आप 4 साल के अंदर आपने यहाँ पर क्या क्या किया? मैं जॉब कर रहा था मैं। अच्छा जॉब करते हैं आप, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको हिंदी सीखने में कितनी कठिनाई, कितना मतलब मुश्किल लगा ये बताओ? अरे यार बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है हिंदी? इंडियन बनने के साथ रह रहा हूँ मैं। हाँ। इंडियन कहना चाहता हूँ मैं। ओके। भाभी है, चाचा है, ताऊ है। ओके। सब है मेरे पास। बिल्कुल। तो एक बात और बताएंगे आप कि आपके अफ्रीका की लैंग्वेज कैसी है, दो चार बोल के दिखाइए मुझे, कुछ वर्ड बोल के दिखाइए, जैसे कि अफ्रीकन लैंग्वेज अलग होती है ना तो समझ नहीं आएगा समझ नहीं नहीं भी समझ में आएगा तो हमारे लोग सुनेंगे तो सुन के शायद उनको अच्छा लगे। तो मान लो कैदी क्यों मेरे, और कुछ कैदी क्यों मेरे, और अब इसके हिंदी ट्रांसलेट करो, क्या बोला आपने हिंदी में? मतलब नमस्ते। ओके। क्या हाल है सबको, नाम नाम सबको। अच्छा नमस्ते को क्या बोलते हैं वहाँ पर, एक ही शब्द? नमस्ते मतलब कदू की मेरे। अब मैं भी आपको बोलूंगा कदू की मेरे। तो जवाब में क्या बोलते हैं कदू की मेरे का जवाब? आदि मुम्मा मतलब मैं ओके। ओके ओके ठीक है। तो मतलब मुझे कहना है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसकी अफ्रीकन क्या बनेगी, अफ्रीका में क्या बोलेंगे? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आनामा गा दिल्ली। ओके, तो एक बात और बताइए, आपके घर पे कौन कौन है अफ्रीका में? मैं, पापा, मम्मा,
एक बहन दो भाई अच्छा और मैं। अच्छा आप हो तो उनकी याद नहीं आती आपको यहाँ पर 4 साल से? याद आती है लेकिन मैं बच्चा तो नहीं ना है। हाँ बच्चा नहीं है वो बात है। तो कब तक जाते हो वहाँ पर, कब कब जाते हो? मैं सोच रहा हूँ अगले साल जाऊँगा मैं एक बार अगले से मिलने। तो एक बात बताओगे क्या, वहाँ जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है मुझे ज़रा बताओ। पासपोर्ट लगेंगे ठीक और है, वीज़ा भी लगेंगे ठीक है बस। तो आप जब जाते हो तो आपका पासपोर्ट और वीज़ा भी लगता है आपका? मैं हाँ मेरा पासपोर्ट है, इंडियन का वीज़ा है, मैं जाने के लिए वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ हमारा देश है। वो आपका देश है। मान लो अगर मुझे जाना हो आपके साथ जस्ट घूमने के लिए एक महीने के लिए ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके उधर जाके 2-4 वीडियो मतलब 10-15-20 वीडियो शूट करूँ और आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ और फिर वापस आए, तो कितना खर्चा आ जाएगा मेरा लगभग? कम से कम 5 लाख खर्चा करेंगे। 5 लाख खर्चा करेंगे? पासपोर्ट सब कुछ, टिकट भी। अच्छा टिकट वगैरह सब कुछ लेके 5 लाख लगेगा कम से कम। इंडियन रुपीस? इंडियन रुपीस। तो आपके जो अफ्रीका का है हमारे इंडिया में ज़्यादा है या कम है रुपीस? ज़्यादा है। आपके अफ्रीकन के अंदर जो करेंसी चलती है उसको क्या बोलते हैं? नायरा। नायरा तो एक नायरा इंडिया के कितने रुपीस होते हैं? 60 रुपीस। 60 रुपये मतलब आपके यहाँ के 1 रुपये, 1 नायरा हमारे यहाँ 60 रुपीस बनते हैं। तो क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? और ओके कंफर्म बोलो जा सकते हैं। हाँ हो गया ना, डन है, डन अगले साल 60 में जाएंगे। सो गाइस मैं 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए ये वीडियो चिया करो, सब्सक्राइब करो। हाँ मैं इनके साथ, पैसा भी आएगा इसके बाद साथ में जाएगा। हाँ हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, जितना व्यूज आएगा इतना पैसा आएगा। हाँ हम अफ्रीका जाएंगे और वहाँ एक्सप्लोर करेंगे ठीक है। हाँ, अफ्रीका को एक्सप्लोर करेंगे, आपके खाना वाला सब, पीने वाला खाने वाला हाँ सब कुछ करेंगे वहाँ पर जाकर के। और कुछ बताओ अपने बारे में, मतलब क्या कहते हैं आप किस तरह के, मतलब यहाँ पर जब शुरू शुरू में आए तो आपको खाने में दिक्कत होती थी, मतलब यहाँ इंडियन खाना? दिक्कत नहीं होती भैया, इंडियन खाना खा लेते हैं। अच्छा अफ्रीकन खाना अच्छा लगता है, इंडियन खाना अच्छा लगता है? दोनों भी है, दोनों ही। इंडियन इंडियन देश में रह रहा है फिर इंडियन खाना खा रहा हूँ। अच्छा चलो, अच्छा एक बात और बताओ, मान लो वहाँ का खाना किस तरह का होता है, मतलब उबाला जाता है चाइना की तरह या फिर नॉर्मली मसाला डाल के बनाते हैं? सब भी है, चाइना वाला भी है, मसाला नॉर्मल वाला। अच्छा कभी आपके साथ ना खाना खाएंगे वो भी अफ्रीकन खाना? ओके बनाएंगे क्या आप? बनाएंगे मैं, चावल बिरयानी। चावल बिरयानी? चावल बिरयानी। चलो चावल बिरयानी बनाएंगे और दोनों साथ में खाएंगे। और गाइस काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर के, आशू भाई से। आशू भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, और मिलते हैं, अफ्रीका ज़रूर आएंगे आपके साथ और हमारी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रही। तो अफ्रीकन ब्लॉग में डालना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे कम से कम 50 अफ्रीकन ब्लॉग होना चाहिए। डन ना? डन। मैं 5 लाख खर्च करूँगा, 50 से 60 मुझे ब्लॉग चाहिए अफ्रीका का। और चलिए थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को वॉच किया। और एक बात और बता दूँ आप लोगों को, इनका गाना आ रहा है योर बॉडी 15 दिसंबर 15 दिसंबर तारीख को, 15 तारीख को आ रहा है इस महीना, इसमें ये दिसंबर का महीना है ना। हाँ दिसंबर को आ रहा है 15 तारीख को योर बॉडी अफ्रोबीट के साथ। हाँ मेरी आवाज है, मेरी आवाज इनकी ही आवाज में है। मैं भी शेयर करूंगा अपने चैनल पे, मेंशन भी करूंगा इनकी जो वीडियो आएगी, वीडियोग्राफी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, और काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई मेरे। ओके लव यू। ओके भाई चलिए गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, आप सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम भी आगे बढ़ेंगे भाई, आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।